दोस्तों ये पाकिस्तान के दोनों ठरकी किस्म के ये क्रिकेटर है ना, इम्माद और आमिर, इन्होंने बाबर पे तंज किए थे ना कि बाबर T20 का प्लेयर नहीं है, और उसके अलावा ये जो ना कराची के ये लावारिस कुत्ते हैं जो शोएब जट, वासी अबीब, इफी कमर, ये जितने भी कुत्ते हैं ना भौंकने वाले बाबर आजम के खिलाफ, ये सारे कराची के माफिया मीडिया वाले और कराची टीम का हिस्सा ये इमाद वसीम, ये आमिर, ये इन्होंने बाबर आजम पे तंज किए थे ना। अब ये दो ये पाकिस्तान के पनौती क्रिकेटर और ये लावारिस कुत्ते जो मीडिया वाले, इनको मैं इनकी औकात दिखाना चाहता हूँ। आज मैं इनकी औकात देना दिखाना चाहता हूँ। बेटा कुत्ते, तुम लोगों को इस चीज़ का घमंड है ना के कराची ने 2020 में PSL का फाइनल जीता था। तो बेटा एक मैं बात बता दूं, ये कराची के मीडिया वाले और कराची वाले और ये आमिर और इमाद, ये जो कहते हैं ना कि बाबर T20 का प्लेयर नहीं है और कराची ने जो टाइटल जितवाया था ना, किसने जितवाया था तुम्हें? हाँ, किसने जितवाया था? बाबर आजम ने ही तुम लोगों को चैंपियन बनाया था। बाबर आजम की वजह से कराची की टीम चैंपियन बनी थी। बाबर आजम की वजह से इमाद वसीम ने टाइटल उठा के अपने पिछवाड़े में डाला था। बाबर आजम की वजह से आमिर भी उस टीम का हिस्सा थे जो टीम कराची की टीम फाइनल जीती थी 2020 का। याद नहीं है 2020 का फाइनल कराची ने जीता था? मैन ऑफ द टूर्नामेंट बाबर आजम को मिला था। टॉप स्कोरर बाबर आजम थे। जो सुपर फोर का मैच होता ना सेमीफाइनल के रूप में, वो मैच बाबर आजम ने जितवाया था 65 रन बनाकर। फिर वो मैच जीतकर टीम फाइनल में पहुंची थी। फाइनल में बाबर आजम नॉट आउट आता है 63 रन बनाकर, नॉट आउट। फाइनल में कोई दूसरा प्लेयर 30 रन की पारी भी नहीं खेलता, 25 रन की भी पारी नहीं खेलता दूसरा बैट्समैन। बाबर आजम अकेला 63 रन बनाता है, दूसरा कोई प्लेयर 25 रन भी नहीं बनाता। बाबर आजम नॉट आउट आता है, मैच फिनिश करके कराची किंग को चैंपियन बनाता है। और वही कराची वाले, वही इमाद वसीम, वही आमिर बाबर की वजह से चैंपियन बनने वाले, बाबर की वजह से टाइटल उठाने वाले कहते हैं कि बाबर आजम जो है कि T20 का बैट्समैन नहीं है। इसी T20 फॉर्मेट में बाबर आजम ने तुम्हारी जो है ना इज्जत बचाई थी, तुम्हें जो है ना चैंपियन बनाया था। फाइनल में आमिर ने क्या परफॉर्म दिखाई थी वो जाके देखो, इमाद की क्या परफॉर्म थी वो जाके देखो, और बाबर जो है ना पागलपन दिखाकर नॉट आउट आता है 63 रन बनाकर। ये है बाबर आजम। और ये कराची के मीडिया वाले, ये एहसान फरामोश, ये नमक मुर्दार लोग, ये नमक हराम इंसान। अब बाबर आजम बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रन कर रहा है तो ये बाबर आजम पे तंज कर रहे हैं। बाबर अब जिक्र क्यों नहीं कर रहे बाबर आजम का? क्या T20 का प्लेयर नहीं है? जो बंदा रंचेस में 2 सेंचुरियां बना चुका है T20 में, इंटरनेशनल में, जो बंदा सेना टीम के खिलाफ 3 सेंचुरियां T20 में बना चुका है, जो बंदा ओवरऑल T20 क्रिकेट में क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है 10,000 रन का, और जो बंदा रोहित शर्मा और विराट कोहली को इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में पीछे छोड़ने वाला है, जो बंदा इस कराची किंग को चैंपियन बना चुका है, टॉप स्कोरर रहा है, सेमीफाइनल में उसने 65 रन बनाए, फाइनल में उसने 63 रन बनाकर मैच फिनिश करके आया, उस बंदे के बारे में ये कहते हैं कि ये T20 का प्लेयर नहीं है? अबे लावारिस कुत्ते, ये जो मीडिया वाले हैं, बेटा गलती हो गई बाबर आजम से। बाबर आजम को कराची में आना ही नहीं चाहिए था। वो जो तुम्हारा बाप है ना, जिसको तुम बाप बनाते हो, वो 16 साल RCB में खेला है, 16 साल में एक भी RCB को टाइटल नहीं जितवाया उसने, और बाबर आजम सिर्फ 4 सीजन खेला है कराची में, कराची को चैंपियन बनाया है। कप्तान इमाद वसीम था, लेकिन चैंपियन बाबर ने बनाया है। बाबर टॉप स्कोरर थे 2020 के टूर्नामेंट के फाइनल में 63 रन बनाकर, जहां पे दूसरे प्लेयर, कोई प्लेयर 25 रन भी नहीं बनाता, वहां पे बाबर आजम की 50 होती है, 63 रन बनाकर नॉट आउट आता है सेमीफाइनल और फाइनल में 65 और 63 की इनिंग खेलता है। अगर वो इनिंग बाबर आजम की ना होती ना, तो तुम लोग चैंपियन भी ना बनते। लेकिन गलती हो गई यार, गलती हो गई। बाबर आजम ने तुम लोगों को पहचाना नहीं था और तुम लोगों ने भी उसको पहचाना नहीं था।